यहाँ पे पूरा बच्चा ही बदल दिया गया है प्राइवेट अस्पताल का ये कांड। सेटलमेंट के लिए कह रहा है क्या सब धमकी दे रहा है कि मैनेज कीजिए कुछ रुपया 10,000 लाख लेके मैनेज कीजिए, बच्चा भी हम दफना देंगे जे बोल रहा है सर। सबको नथी कर रहा है, सबको धमकी दे रहा है। 300 किलो का पोस्ट बच्चा हमारा कहे हमारे की जरी गोदियन हमारे हगल के है सर मुतल के सब कुछ खेल के हमें गोदियन लेके हला के गए लाल ले में हमारा धमकी देता है कि 10 लाख पर तू अथी होबो नहीं तो हो सकता है कि गोली मार दे। अगर झूठ भी बोलना होता तो ऐसा होता है कि 3-4 को बेटी रहता है तो झूठ बोल देता है कि हमको को बेटा हो जाएगा, लेकिन इनको पहले से 2 को बेटा। देखिए नवजीवन शिशु हॉस्पिटल है ये, और एक चीज देखिए यहाँ मेल लिखा हुआ है और बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा कि ओवर राइटिंग करके फीमेल करने की कोशिश किया गया है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और मैं हूँ सुमित कुमार। बिहार के सरकारी व्यवस्था और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों के हालात कितने लचर हैं आपको मालूम है। स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो आपको मालूम है कि किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी को भी सिजेरियन करता है ये लोग, और प्राइवेट धंधा चलता है। हर सड़क हर गली मोहल्ले में इस तरह का खेल चल रहा है जहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस के द्वारा जनरल या कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी को भी सिजेरियन करता है। लेकिन उससे भी एक्सटेंडेड वर्जन का एक घटना हुआ है जो कि नालंदा जिले के गिरियक ब्लॉक क्षेत्र में है। यहाँ पे पूरा बच्चा ही बदल दिया गया है, एक प्राइवेट अस्पताल का ये कांड है। सबसे पहले इस घटना को मैं आप समझाऊं, उससे पहले मैं बता दूं कि जहाँ जिस परिवार के घर में ये घटना हुआ है वहाँ पे हम अभी मौजूद हैं। ये गिरियक ब्लॉक है, फिर से आपको रिपीट कर दें और यहाँ पे क्या कुछ घटना हुआ था। ये माँ है जिनका बच्चा बदला गया, कथित तौर पे जो इनका आरोप है वो यही है कि इनका बच्चा बदल दिया गया, लड़का पैदा हुआ था और लड़की दिया जा रहा है बाद में। क्या कुछ हुआ था, क्या यहाँ पे सरकारी अस्पताल में बच्चा हुआ था डिलीवरी? सरकारी हॉस्पिटल में लड़का हुआ था। अच्छा, यहाँ हमको बच्चा जलम गया तो बोला कि रो नहीं रहा, इसको जो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वहाँ से भेज दिया पावापुरी वाला डॉक्टर बोला कि ये बच्चा सीरियस में है, इसको जान के तुरंत बाद भेजा गया था। हाँ, जान के तुरंत 2 घंटा के बाद गए लेके। ओके, तो वहाँ कितना दिन बाद आपको पता चला कि बदल दिया गया? 17 दिन के बाद गए, 11 तारीख को हम गए ना सर, 11 तारीख को हमको पता चल गया कि हमको लड़की दे रहा है। दूध पिलावल सर, दूध पिलावल बोले 17 दिन के बाद तब दूधा पिलावल गलखिन तब सब अपने में अपने घर में से हम अनिक बैठेले रह गलो, हम पिलावा ने सर पिलावा ने सर का रहलियो है, ओकरा पर उठेलो ओकरा पर उठेलो ओकरा पर उठेलो ऐसे करके डॉक्टर के गलो कहल डॉक्टर बाबू उठ के बुतरू रूम गलो, बुतरुक रूम से छुट्टी खाए सबके दे दलको और सब खाए चल जा। हम अनि माई बेटी बैठे वहाँ पर वेट करवाया बैठ के 2 घंटा बोलते बोलते स्कूल अथी ओने ओने छटक रहा था, हमको बच्चा पिलाने के लिए नहीं भी दे रहा था। अच्छा, तो ये आप लोग वो लोग क्या कहता है, क्या कहता है कि नहीं था लड़की ही था? हाँ, वो सब बोल रहा लड़की है। हम बोले कि हमने यहाँ भर्ती किए लड़का तो यहाँ लड़की कैसे होगी, हमको लड़का था हमको लड़की नहीं था। और ये कन्फ्यूजन भी नहीं हो सकता क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो उत्सुकता होती है लोगों को जानने का कि बेटा है बेटी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चेक ही नहीं किया हो, जानकारी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, वहाँ तुरंत चेक किया कुल कि लड़का गिरा, जैसे बोला कि लड़का पैदा हुआ पूरा शोर हो गया हॉस्पिटल में। 3.5 किलो का बच्चा आखिर सर, 3.5 किलो का पोस्ट बच्चा हमारा कहे हमारे की जरी गोदियन हमारे हगल के है सर मुतल के सब कुछ खेल के हमें गोदी में लेके हला के गए गोदी में लेके अपने से गलिए भर्ती करे सर। सब पता है तो फिर, और इनका भी हमने सर्टिफिकेट भी देखा है, हम आपको दिखा देते हैं, वो लाइए ना पेपर ये अस्पताल का जिसमें क्लियरली लिखा है कि ये मेल है। यहाँ पे जो सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ डिलीवरी हुई है वहाँ पे बहुत क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है पेपर में, देखिए हम आपको दिखाते हैं। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिरियक में, देखिए यहाँ पे देख लीजिए न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है नोट क्या है, नोट क्राइड आफ्टर बर्थ, ये प्रॉब्लम था इसका। और देखिए लिंग मेल, इस चीज़ को अगर आप देखिए तो क्लियर समझिए कि मेल यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आसपास के लोग और कई मीडिया रिपोर्ट्स में उप स्वास्थ्य केंद्र के जो निरीक्षक हैं उनका बाइट भी आपने देखा होगा जो क्लियरली कह रहे हैं कि यहाँ से बच्चा लड़का ही था। लेकिन अब वो लोग क्या कहता है, वो लोग क्या कोई सेटलमेंट के लिए कह रहा है क्या कहता है? सब धमकी दे रहा है कि मैनेज कीजिए कुछ रुपया 10,000 लाख लेके मैनेज कीजिए, बच्चा भी हम दफना देंगे जे बोल रहा है सर। सबको नथी कर रहा है, सबको धमकी दे रहा है झूठ मुठ के। डॉक्टर तो रखी देता मट्टी के पुतुल बना के, हम बोल कि पुतुल में भर्ती करे गए लोग रही
जो हमारा पुतुल बना के देते। कौन सा प्राइवेट अस्पताल का नाम क्या है? ब्रजेश कुमार ही। ब्रजेश कुमार डॉक्टर है। अच्छा हाँ। हमारा लगा। अरे कहीं भी ले जाएगा, ये लोग आसपास में बात भी कर रहे हैं कि वहाँ ले जाने का जरूरी था, लेकिन पता थोड़ी ना होता है कि ये करने वाला है लोग। 10 लाख रुपया कह रहा है सेटलमेंट के लिए। पूरा कुछ ले लो सर, पर कुछ पैसा ले लो, मैनेज कर दो। हमारे बचवा बोला आखिन कि हम काहे मैनेज कर देवे, हम लड़का दिलिए, हम लड़का हम लेबे, मैनेज कौची के है? तब बोला है मैनेज नहीं करे, डॉक्टरबा की तरह पुतुल बना के देता हूँ। दलाल बोला के सर, दलाल मैनेज करे कह रहा है। दलाल ये नाना जी हैं आप? जी जी जी। दलाल ने में हमारा धमकी देता है कि 10 लाख पर तू अथी होबो, नहीं तो हो सकता है कि गोली मार दे। केस आप लोग पर, आप लोग किए हैं FIR? किए हैं आप लोग? करबे किए घूस ले लिया, DM पास भी गए, सब मिला है कुछ रिसिप्ट, केस नंबर कल तो गेबे किए हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला। कल गेबे किए हैं तो तू यहाँ घूस खेले। आप लोग को क्या कहता है कि आप लोग को भी केस कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे? वो है उल्टी कहता है, हम काउंटर केस करेंगे। डॉक्टर बोलता है कि हम उल्टी केस करेंगे आप लोग पर भी, कि मेरा क्लिनिक में आकर हो हंगामा किया, इतना पैसा ऐसे ऐसे काउंटर से निकाल लिया, जो कहता है डॉक्टर बोल रहा है। ये कहता है कि काउंटर से पैसा निकाल लिया, हम कहेंगे। अस्पताल का नाम क्या है? नवजीवन। पेपरवा लेता ही है ना, एक बार पेपर लेता ही है। पेपर में होगा लिखा। और अस्पताल का नाम बताते हैं, कार्रवाई कितना होगा ये तो समय बताएगा और होनी चाहिए, वो तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सवाल तो पूछेंगे ही, लेकिन जरा अस्पतालवा और डॉक्टर साहब को भी फेमस कीजिए ना, बताइए कि ये यही डॉक्टर साहब हैं जो बच्चा बदल देते हैं, 10 लाख में सेटिंग करते हैं। बस इतना है कि मतलब चुपचाप हो जाओ, मतलब 10 लाख लेकर एडजस्टमेंट कर लो। अब बताइए कोई बच्चा की कीमत मतलब 10 लाख में कोई दे देगा बच्चा? वही डॉक्टर साहब 10 लाख में दे देंगे बच्चा, बताइए आप ही। नहीं क्यों दे देगा? देखिए ये लोग हैं यहाँ पे नालंदा के रिपोर्टर्स हैं जो लोकल चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लोग हम लोग यहाँ पर क्यों आते, कोई ऐसे थोड़ी ना, मतलब इनको ऑलरेडी पहले से दो बच्चा पहले से है, दो लड़का है। अगर झूठ भी बोलना होता तो ऐसा होता है कि 3-4 को बेटी रहता तो झूठ बोल देता है कि हमको बेटा हो जाएगा, लेकिन इनको पहले से 2 को बेटा है। पहले से 2 बेटा है। देखिए दिखाइए, ये बच्चा है, देखिए एक बच्चा ये है, ये लड़का है, गाँव लड़का है, और एक गाँव लड़का है। तो झूठ बोलने का कोई रीजन है? कोई रीजन है नहीं। देखिए एक बच्चा ये है, नहीं रोको, चुप जाओ। कैसे झूठ बोलेगा बताइए, तो सरासर गलत कर रहा है डॉक्टर, इन लोग को पैसा पर दबाने का कोशिश कर रहा है। तीसरा बच्चा बोलखिन है, और तीसरा बच्चा नहीं, बेटी नहीं है, बिना है सर, बेटी ना है। तीनों मतलब लड़के हुआ था, तीसरा में तीनों लड़के हुआ था हमको। अभी तो झूठ बोलना होता भैया तो हम साफ साफ ये बोल रहे हैं कि अगर इनके पास 2 को बेटी रहता तो भले ही झूठ बोलते, लेकिन पहले से इनको 2 को बेटा है तो कहले झूठ बोलेंगे? ये सरासर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए नवजीवन शिशु हॉस्पिटल है ये, और एक चीज देखिए यहाँ मेल लिखा हुआ है और बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा कि ओवर राइटिंग करके फीमेल करने की कोशिश किया गया है, क्योंकि देखिए मेल कैपिटल लेटर में आप कोई भी जब आप शब्द लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं अंग्रेजी का, तो ब्लॉक लेटर जिसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने के लिए कहते हैं वो करते हैं। तो देखिए एम से स्टार्ट किया हुआ, एम एल ई, तो बाद में फीमेल कैपिटल कैसे होगा? तो इस तरह की चीजें, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस है। जहाँ बच्चा हुआ था वहाँ एमएल है, और बहुत सिंपल देखिए ना कि कई चीजें आप कितना मैच खाता है। यहाँ देखिए FMALE लिखा हुआ है, मतलब M कैपिटल लिखा हुआ, F के बाद M कोई कैपिटल लिखने का कोई चांस ही नहीं बनता, इतना अनपढ़ कोई नहीं है यहाँ पे। मतलब कैसे डॉक्टर पे कोई गौर किया है कि देखिए M इसको कैपिटल है, कैसे डॉक्टर बन गया कि मतलब इसको इंग्लिश भी नहीं लिखने आ रहा है? हाँ देखिए सर, दूसरा वाला इसमें गए थे तो इसमें से फिर दूसरा में ले गए थे, मेन चेंज किया गया इसमें है ना, मेन चेंज यही। नवजीवन शिशु हॉस्पिटल है नालंदा बिहार शरीफ, जरा ये कार्रवाई क्या होगी ये तो बात की बात है, मैं फिर से कर रहा हूँ और ये समय की बात होगा, लेकिन ये जरा अस्पताल और डॉक्टर साहब को फेमस कराइए बिहार में। उद्देश्य सच्चाई नहीं रहता तो भैया लोग पटना से चल कर आए हैं, अगर इसकी सच्चाई नहीं रहती तो लोग कहाँ लाते? ऐसे थोड़ी ना कोई चलाता है, यहाँ पर लोग जो बोल रहे हैं जसमदीद है, ये लोग जसमदीद है, पूछिए इन लोग से, सभी लोग ये नाना जी है इनकी। आपको कौन लोग धमकी दे रहा है? पुलिस कह रहा है इस तरह की चीज नहीं, दलाल कह रहा, दलाल कह रहा है सेटलमेंट कर लो, नहीं तो फिर अति करेंगे। हाँ ले लो रुपया, बैठ जाओ, हम लड़की के कनौला पता कर देंगे। हाँ। तो हमको ये हो ही नहीं सकता है।
हमरा बच्चा सोना दिए सोना लाइए हमको, हम लड़का दिए हैं जी, लड़का लाइए हमको। हमरा ये कहना है कि हमको लड़का चाहिए। दलाल कराकी कि लड़का कहाँ से तोरा मट्टी के पुतुल है जबाना के तोरा दे दे से कहता है। हाँ पुतुल भाई एक करोड़ लगे लिखे तोरा जोड़े विनाश हो गए। अब हम की कहियो सर। भैया अपना एक करोड़ रख लो ना, एक करोड़ जरूरत किसको है, जो इनका था उन्हें यही दे दो। ये कितना बड़ा लचर व्यवस्था है कि आप अस्पताल में इलाज करने के नाम पे इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, और उससे भी थेथर बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जहाँ पे सरकारी अस्पताल में कुछ भी नहीं होता। सोचिए ना कि नोट क्राइड आफ्टर बर्थ है ये जो प्रॉब्लम लिखा गया है, इतनी छोटी व्यवस्था जब आप डिलीवरी करते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र में तो नहीं होनी चाहिए क्या? क्या आपके पास ऑक्सीजन लगाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए अब तक 2023 में सरकारी अस्पताल में बिहार के? क्यों ले जाना पड़ा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये क्यों करना पड़ता है? यही परेशानी है। नॉर्मल डिलीवरी था। हाँ सर, हाँ। नॉर्मल डिलीवरी के अलावा यहाँ पे ये स्थिति है बिहार के सरकारी अस्पतालों का कि सिजेरियन भी हो जाए तो एक आम परिवार का भरोसा नहीं होता सरकारी अस्पताल पे कि यहाँ पे कराओ डिलीवरी। ये क्यों है? ये सवाल है प्रशासन से, ये सवाल है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से, तेजस्वी यादव से, क्योंकि आप ही करता धरता है, बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन इन चीज़ों पे कार्रवाई नहीं होती। क्या एसपी डीएम पास भी गए हैं आप लोग ना? डीएसपी क्या गए थे? डीएसपी क्या गए? वहाँ से क्या आश्वासन? वहाँ आश्वासन मिला, पहले तो हमको कहा गया कि बोलो आप 2 दिन टाइम दीजिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जब कल हम लोग वहाँ गए हैं तो डीएसपी साहब कहते हैं कि डीएन का वहाँ से जब तक रिपोर्ट नहीं आता जब तक एफआईआर हम कैसे करेंगे। तो यहाँ तो रिपोर्ट आप वहाँ से सार्जन जो ना मांगेंगे कि रिपोर्ट हमको दीजिए। आप लोग को ये डर नहीं है अभी कि ऐसा ना हो कि कहीं ये उप स्वास्थ्य केंद्र भी बदल जाए? नहीं बदलेगा। गिरिया को नहीं बदलेगा। अभी तक बोल रहे हैं कभी नहीं कि हम लड़का दिए हैं और लड़का लीजिए आप लोग, और उसके लिए जहाँ भी ले जाइएगा हम गवाही देंगे, हम खुद बोल सकते हैं, सब कोई बोल रहे हैं। तो मैनेज भी कर ले मैंने तभी तो हम नहीं केस कर देबो तोरा पर, तोरा चलते हम अपन नौकरी नहीं खा जेबे। अच्छा ये लोग का है? हाँ हम बेटा दे लिए तोरा तो हम बेटा कहबे कि हम बेटी तोरा कन से कह देबे। नर्स बोल रही है कि यहाँ से मैनेज भी आप लोग कर लीजिए तो हम नहीं बदलेंगे। हाँ नहीं बदलेंगे हम, नौकरी अपन नहीं खेबो तोरा चलते। एतवार है सर, नहीं तो उन्होंने जाना चाहिए। हम वहाँ पे जाते हैं, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस कारण से, लेकिन वो अस्पताल जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जरूर हम चाहेंगे कि उसका पक्ष भी दिखाया जाए। और ये बहुत शर्मनाक घटना है, ये किसी भी के लिए व्यक्ति के लिए सन करने वाली है कि अपने बच्चे को बदले जाना कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया का किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी व्यक्ति हो। बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस तरह की घटना कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ऐसे ही रही तो कितना उम्मीद एक आम आदमी को रहेगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।